एक्चुअली इमरजेंसी आ गई है, चीजें तो भी बेचनी पड़ती है जब कोई जरूरत हो। तो यार हमारी एसी से ना हवा नहीं। हाँ नेक्स्ट टाइम मास्टर जी चाहिए हमें। मिस करूंगी, हो ही आता है आपके पास कोई चीज होती है तो अटैचमेंट हो ही जाती है। बट कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, आज तो येलो अलर्ट है हीट वेव का भी हमारे यहाँ पे। तो दिन में हम गए थे अंजना का चेकअप करवाने, तो क्या उसकी रिपोर्ट है वो तो आपको अंजना ही बताएगी। बाकी शाम के टाइम आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हेलो, कैसे है सीवी भाई? हाई फाई कर दो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से हाई फाई। गुड बॉय। तो मैं अभी व्लॉग शुरू कर रहा था ना, तो सेवी एकदम से मेरे पास आ रहा था बार बार। बाकी गाइस सीरियसली बोलूँ, अगर पंखा बंद कर दूँ ना इस टाइम पे तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो पंखा ऑन रखा है। थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी फैन की, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इतनी गर्मी में गए थे हम अंजना का चेकअप करवाने। अंजना जी, तो बताओ फिर आज तसल्ली हो गई हॉस्पिटल जाके? बट सब कुछ बहुत सही था, मतलब गैस्ट्रिक की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है। सम टाइम आपको बहुत तेज़ से दर्द होता है, ये तब होता है जैसे आप खाली पेट कुछ भी खा लेते हो, जैसे खाली पेट आपने मील का टाइम है और आप चाय बिस्किट खा रहे हो या कुछ खाली पेट आप बाहर खा रहे हो, तो ऐसी ऐसी हो जाती है गर्मियों में। बाकी सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिस्ट अभी तक नहीं बढ़ी है, वो ठीक है? हाँ वो ठीक है, वो नहीं, उन्होंने वो बोला है कि वो अपने आप ही छोटी सी है, वो खुद ही गल जाती है, साइको हो जाता है ना एक बार दिमाग में ना। जितनी पहले उसके मुताबिक जाने वाली है, तो सब ठीक है। और अपने टेस्ट करवाते रहने चाहिए, अगर आप साइकोलॉजिकली नहीं सोचोगे सब चीज़ें तो कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। एटलीस्ट टेस्ट करवा के आप श्योर हो जाते हो कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में चलता रहता है तो चीज़ें कई बार सच में भी हो जाती है। एग्जैक्टली और ये देखना यार, मेरा पेन, हमें पेन भी नहीं हो रहा था तो मैंने मना ही किया था, ध्रुव को पर ध्रुव बोला था नहीं नहीं चल यार करवा ही लेते हैं। यार दिमाग में क्यों रखना बेफालतू का भ्रम ना। बाकी अभी सेवी ने खा के हटा है भाई, सुबह खाया नहीं इसने, अभी अभी खाना शुरू कर दिया। चलो बस थोड़ी देर में सेवी को घुमाने भी जाएगी नीचे, अभी चलते हैं। चलो फिर सेवी को घुमाने चलते हैं फिर नीचे। बट हमने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि ब्लॉग हम क्या ही करते, इतनी गर्मी आज कितना डिग्री आज? आज 43 और भाई गर्मी सीरियसली थी, बहुत हॉट वेव चल रही थी। और भाई हिमाचल में तो बढ़िया ठंड है, शिमला में तो ना काफ़ी बारिश हो रही है तो उस वजह से इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है। बट चंडीगढ़ में तो बहुत बुरा हाल है, आजकल दिन को हम कहीं बाहर, मैं ध्रुव को बोल रही थी कि यार वाटर पार्क चलते हैं, तो ध्रुव बोल रहा था पागल हो गया वाटर पार्क में, मतलब लोगों के पसीने ही पसीने हो गए उसमें बोलते, जितनी गर्मी अभी है। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी है। चल फिर से भी लेट्स गो फॉर वॉक। लो जी भाई सनसेट तो हो चुका है, हवा चल रही है, हीट वेव जैसे लग रही है कि गरम गरम गोले मारे जा रहे हैं लू के, लू के। चंडीगढ़ तो ना ही आया अभी जुलाई अगस्त तक। तेरे साथ ये भी देखने लग गया। अरे भाई साहब अपना काम करो आप, इतना ऊपर से आवाज़ें आ रही है तो इसको लग रहा है सेवी को बोले कहाँ से आ रही है, कोई लड़ाई लड़ाई होगी होगी शायद ना, तो उस वजह से। वापस आ चुके हैं हम और अब मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास, तो मेरे पास देखो नारियल तो पड़ा है, देखते इसमें कितना वाटर निकलता है। कई बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि बड़े नारियल में इतना सा पानी निकला है, तो भाई इस नारियल से काफी पानी निकल रहा है, एक तो भर चुका है मेरा मग, दूसरा भी भर जाएगा, वाह दिल खुश हो गया, और दूसरा भी ऑलमोस्ट फुल्ली भरा है, वाह। तो मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, जो ना पानी वाला होता है नॉर्मल नारियल उसमें पानी कम निकलता है और जो गली वाला होता है उसमें ज्यादा निकलता है, तो ये तो अच्छा हो गया। चलो मेरे को और अंजना को दोनों को मिल गया, पीना चाहिए भाई अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और मीठा इतना है ये वाला बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ भाग मिल्का भाग वाला करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट रूटीन, स्ट्रिक्ट रूटीन। गर्मी इतनी है ना यहाँ पे कुछ करने का मन ही नहीं करता, बट आई थिंक करना पड़ेगा, काफी वेट हो गया मेरा, बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है मेरा। कोई नहीं अब घटेगा, टेंशन नहीं। सो ना अभी ना थोड़ा सा एक काम करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, मैं लगा लेती हूं क्योंकि वो मासी और भी आएगी ना। हाँ लगा लेती हूं, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट काम है वो
क्या काम है आपको पता चल जाएगा। हाँ तो अभी जस्ट कॉल आया है तो उसके रिगार्डिंग ही, तो इसके लिए अभी बाहर जाना है हमें, और क्या है वो काम वो भी बताते हैं आपको, थोड़ी एक इमरजेंसी पड़ी है तो उस वजह से हमें वो चीज करनी पड़ रही है। बता दो हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या है काम। ये जो मेरा आईफोन है एक्चुअली हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। एक्चुअली इमरजेंसी आ गई है, चीजें तभी बेचनी पड़ती है जब कोई जरूरत हो, तो इसकी भी जरूरत है वो। और ये अंजना का फोन है जो हम बेच रहे हैं, आईफोन। ये मेरा फोन है और मैंने इसको वैसे बहुत कम यूज किया है, बट वैसे रियलिटी में अंजना का ये फोन था पहले एंड्रॉइड। पहले नहीं, अभी भी यही है। हाँ मतलब यही है असली फोन, तो जो टिका हुआ है अभी तक साथ में। तो देखो पैसों की इतनी दौलत आ गई है हमारे पास कि भी सेल आउट करना पड़ रहा है अपना आईफोन। क्यों करना पड़ रहा है उसके लिए आपको आगे बने रहना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये। पहले बार ये डील बन जाए, क्योंकि जो भैया आ रहे हैं वो बस चेक करने आ रहे फोन को, अगर उनको फोन सही लगता है तो फिर ये सेल आउट हो जाएगा आईफोन 13। हाँ जी, मैं एक चीज बोलूँ, आप आईफोन लेते तो बहुत महंगा है, लाख लाख रुपए का, पर जाता ही है उसके आधे में, आधे भी नहीं जा रहा, आधे से भी कम में जाता है, आधे से भी कम में जा रहा होता है। तो बस यही है कि इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ गोल्ड के अलावा मुझे और कहीं दिखती ही नहीं है, गोल्ड, लैंड और बगीचे। और मुझे एक चीज और बोलनी है गाइज, एक्चुअली मैं भूल गई, मुझे लास्ट व्लॉग में प्रीवियस व्लॉग में बोलनी थी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। हमने एक रील बनाई थी जिसमें मतलब मैंने ध्रुव को थप्पड़ मारा था, मतलब वो एक जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज से थी, बट उसमें ध्रुव ने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट भी किए थे कि आया था कि मैं ध्रुव की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ और ऐसा मैं बहुत बात करती हूँ, आप लोगों ने बहुत नोटिस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मैं ध्रुव की रिस्पेक्ट क्यों ही नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ध्रुव ही है और हमारी लाइफ में ऐसा है कि मैं और ध्रुव एक दूसरे के लिए ही सब कुछ है, और हमारी लाइफ में कोई है भी नहीं है, पापा है, उसके अलावा देखा जाए रिलेशन में तो हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं है, मैं ध्रुव पापा से भी हम ही है। तो अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा, मतलब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा नहीं है गाइस कि आप बोलने से ही रिस्पेक्ट होती है, या फिर मैं इसमें क्या ही बोलूँ, मैं बस इतना बोलूँगी जो मेरी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। आई थिंक मैं और ध्रुव सेम एज के हैं, मैं हमने पहले भी बोला था, और हम ना एक पति पत्नी से पहले बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोस्त के बाद हम एक दूसरे के सब कुछ है, उसके बाद हम पति पत्नी है, तो सब कुछ भी मत सोचे। अगर आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती है ये वाली चीज़ें, हम ट्राई करते हैं, बट वो आदत है ना वो फिर से वैसी आ जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं, ये हमारे बीच का प्यार है। और जो रील्स भी हम करते हैं ये हम बहुत मस्ती में करते हैं चीज़ें, तो इस चीज़ को सीरियस मत ले, एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से मनाते हैं। लेके आता है कि ऐसा कर, और मैं बोलती भी हूँ कि मुझे पता है सोलह, तो ध्रुव बोलते प्लीज यार ऐसा कुछ नहीं, हम तो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज, यार एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से बनाते हैं हम, कि हम चाहते हैं कि खुशी आए, फन आए, बाकी लेट नहीं करते। भैया का फोन आ रहा है बीच में ना, तो फिर चलते हैं बाहर अपना फोन का, देखते हैं डील क्या बनती है। मासी और रोनी भी अभी आने वाले हैं ना, तो मैंने बोला अंजना को कि तू तब तक खाना बना ले, कोई बात नहीं मैं जाके आता हूँ। तो भैया यहीं पे मोती आज के गेट के पास ही आ गए, तो देखते हैं जरा अपने फोन की क्या डील बनती है, फिर आपके साथ भी शेयर करूंगा। ऐसे अंजना को दुख तो हो रहा था कि भाई उसका फोन जा रहा है, पर क्या करें, जरूरत है इसीलिए हम ये स्टेप ले रहे हैं। तो गाइस डन हो चुका है, अपना फोन चला गया है इस गाड़ी वाले भैया के पास। तो डील ऐसी थी कुछ, भैया ने मेरे से 500 रुपये कम करवा ही दिए, मैंने कहा कि भैया एप्पल वायर भी दे रहा हूँ मैं, ओरिजिनल बोलते रहन तो बोली उसकी ज़रूरत नहीं है, बट डील इज डन, फोन हो चुका है सेल। हाँ जी सर, बेच दिया? हाँ बेच दिया। हेलो नमस्कार जी, फोन पे बिजी। हाँ जी हो गया भाई फोन डन। वो तो कैमरे पे नहीं बता सकता मैं कितने में बेचा, आपको बता दूंगा मैं, पर बिक गया फोन। अच्छी बात है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने का बिका है। सीरियसली बात करो। वैसे अगर मैं दो चीजें थी, एक चीज़ ये थी कि अगर हम दुकान में जाके बेचें तो दुकान में मिल रहा है हमें कम, मतलब 32-30-32 हज़ार, ओएलएक्स पे मेरे को 3-4 हज़ार ऊपर मिला है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ओएलएक्स पे ट्राई कर लेना चाहिए। मैं तो सबको ये बोलता हूँ ओएलएक्स पे बेचो, ओएलएक्स पे ना कुछ और भी बेचोगे आप तो सही रहेगा। तो यार हमारी एसी से ना हवा नहीं, अच्छा यहाँ बटन भी दिया हुआ है, तो हमारे एसी में थोड़ी सी ना कूलिंग कम हो रही है, तो रोनी बोले एक बार जरा इसकी जालियां चेक कर लेते हैं।
नीचे तो खुलता है, ये थोड़ा ना न्यू एडवांस एसी है ना, हाँ। तो इसलिए हाँ। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, नहीं मिल रहा खोलने का। एक तो ये ना नए नए एसी होते हैं ना, ऊपर से जाली निकलती है, हाँ ऊपरली साइड है इसकी, राइट राइट राइट। पर ना वीडियो देख लेते हैं कि कहीं जितना चल रहा है उतना भी ना चले। पहले ही गर्मी में बुरा हाल है, ये तो मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ। वाह जी वाह, नाइस। तो बोले कहाँ से आनी है हवा, ये देखो आर पार भी नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड। और इसके बाद देखते हैं जरा फर्क कि कितनी हवा चेंज हो रही है। अभी देख लेते हैं, चला इसको बिना जाली के, चला सकते हैं बिना जाली के। तो भाई साहब देखो अब जाली पूरी साफ हो गई है, और बिना जाली के चलाया ना, इतनी ठंडी हवा दे रहा है ना ये, मजेदार। अब आया भाई असली चेंज, वो जाली साफ करके ये फायदा होता है। तो गर्मियों में आपको जालियां साफ कर लेनी चाहिए। और तो मैंने तो सर्विस करवानी थी सच में यार, एक दो मैंने बुलवाना था सर्विस वाला, क्योंकि बात यह ना हम कर देते दरवाजा बंद तो उसके बाद फील ही नहीं होता कि भाई हवा अच्छे से नहीं। अब पूरे घर में अगर आपको हवा चाहिए तो ये जाली साफ करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई साहब डिनर बन चुका है अपना, एसी है जो बढ़िया, अब उसकी हवा आ रही है उसमें भी। रोनी भैया ने जाली पूरी ठीक कर दी है, और बाहर भाई बढ़िया हवा चल रही है आज तो, आ हा 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 हा, मजेदार ठंडी ठंडी हवा, तो मजा आ रहा है भाई। पहले तो दिन में तो गर्म हवा चल रही थी, अभी ठंडी चल रही है। तो भाई किसी कपड़े उड़ गए, हमारे तो नहीं उड़ रहे कोई। डिनर कर ले हम, क्योंकि भाई भूख लग रही है, तो डिनर करते हैं। अब थोड़ा एसी का फील आ रहा है, ठंडक थोड़ी हुई है वैसे, वरना थोड़ा सा ना बड़ी मुश्किल हो रही थी हमें गर्मी में। किचन तक पहुंच रही है ठंडक, है ना। अरे दाल ले आई तो, हाँ, ये गर्म हो जाएगी ना, मैं ले आऊंगी, बैठ जाओ। तो गाइस डिनर इज डन, तो अब जा रहे हैं हम गाइस नीचे मासी और रोनी को छोड़ने, और बाय वॉकिंग जा रहे हैं, क्योंकि देखो 10,000 स्टेप्स तो हो गए हैं, अब ये मेरे एक्स्ट्रा करवा रहे हैं थोड़े स्टेप। ये भी बोल के जबरदस्ती ले जा रहा है हम दोनों, क्योंकि मैं तो आई नहीं। अच्छा अभी लिफ्टर पकड़ लूंगी, तो इसमें चलते इस वाली मिली आगे वाली। रोनी भैया ये पार्ट कट करवाना चाह रही है, बताओ। ये देखो इन्होंने ये चेंजेस कर, मिट्टी नई लगवाई है इन्होंने इसमें, ये चेंजेस है नए, ये करवाया एक तो छत का चेंज करवाया आपने कुछ, ये हाँ ये कैरियर लगवाया। पर सच में आप ये डिजाइन करा सकते हो गाड़ी पे, अच्छा लग रहा है वैसे ना, नाइस। आगे से देखो ना लुक इसकी, वाह आंखें जैसी लग रही है, एक दो दो आंखें, लाइट जलाना एक बार, क्या बात है। ठीक है मासी, बाय बाय, टेक केयर, अब मासी चल जाएगी शिमला, ठीक है, बहुत जल्द। अच्छा अभी और आना है, हाँ नेक्स्ट टाइम मास्टर जी चाहिए हमें। चलो बाय बाय। ओके बाय बाय, गुड नाइट ब्रो। हाँ जी मैम, थोड़ी वॉक करना चाहोगे कि काफ़ी है? नहीं कर लेते हैं, मेरे थोड़े आधे बर्तन छोड़ के आ गई मैं वहीं पे, मैं कल ड्रॉप कर लेते हैं, कल शिमला जा रहे हैं ना, बारिश भी हुई है हमें पता है। हाँ यार हवा के साथ आया होगा शायद, ये हल्का सा झोंका ना, मेरे को जो समझ आ रहा है। फोन तो मेरा चला गया, अब क्या होगा नेक्स्ट, देखते हैं क्या होगा, क्यों बेचा वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, अभी हम शेयर नहीं करना चाहते, तो बस थोड़ी जरूरत थी इसलिए करना पड़ा, बस ये है एक रीजन। हमेशा चीजें हम तब चीजें सब भी तभी बेचते हैं जब जरूरत होती है, हाँ। जब पैसों की नीड होती है तो करना पड़ता है, बाकी क्या रीजन है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। आपको ध्रुव ने से बताया कि अगर आपको जैसे आईफोन वगैरह बेचने हैं ना, देखो जिस प्राइस में लिए उस प्राइस में तो नहीं जाएगा, उसके आधे से भी आधे प्राइस में जाते हैं वो, तो आप OLX पे बेचे तो आप अपने प्राइस बता सकते हो। आप शॉप, हम शॉप वालों के पास भी गए थे, हाँ। बहुत सारी शॉप वालों के शॉप वाले कम देते हैं, कम प्राइस देते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट भी देखना होता है। हमारा जो फ़ोन था ना सीरियसली वो बिल्कुल न्यू था, मैं बहुत कम यूज़ करती थी, फिर मैंने तो आईफोन में सिम भी नहीं डाली थी, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में होती थी, क्योंकि मुझे ठीक था फ़ोन सुनने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन, और बाकी मैं आईफोन यूज़ करती थी। मिस करूँगी, हो ही आता है, आपके पास कोई चीज़ होती है तो अटैचमेंट हो ही जाती है, बट ठीक है कोई नहीं। आजा भाई आजा, आजा 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 आगे, हम चेक कर ले हमें, आजा आ जाओ मेरे बीच, आ जाओ मेरे बीच गोंद बूचो। तो गाइस ऊपर आ चुके हैं अब हम, अब बर्तन वगैरह धोएगी अंजना,
मैं भी थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह निपटाता हूँ, थोड़ा बहुत काम बचा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का थोड़ा सा यार मोबाइल को बेच के ना थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, पर क्या करें, थोड़ी जरूरत थी हमें इसलिए बेचना पड़ा। बाकी क्या है वो रीजन आपको वो आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, देखते रहे ध्रुव वंचना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।